धूप मेरे फेस पे लग रहा है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या? बाहुबली साइज का लग रहा है डोसा। हाँ ठीक है, हम काम स्टार्ट किए तो लाइट ही चला गया। एकदम थोड़ा थोड़ा ही दीजिएगा जो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, आज हमको थोड़ा बहुत मिलने वाला है। अगर कोई चॉकलेट लवर होंगे तो आकर यहाँ पर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on. Hello, namaskar, main hu Sukriti Pande aur mere channel Sukriti Pande mein aap sabhi logon ka hardik swagat hai. To hum aa gaye ek aur nayi video lekar aap log ke samne. Agar hum baat kare location ki to location hai hamara Boring Road mein, aap dekh sakte ho just chauraha se thoda aage badhoge na to aapko PC Jewelers dikhega. Dekhiye PC Jewelers है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड में हम जहाँ ब्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं, उसका नाम है मद्रास डोसा हाउस. सॉरी धूप मेरे फेस पे लग रहा है. तो कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था कि सुकृति जी प्लीज मद्रास डोसा हाउस का वीडियो बनाया जाए. तो आपको बता दें कि ये फर्स्ट फ्लोर पर है, तो हम लोग जैसे ही ऊपर आए हैं तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, कह सकते हैं एक ग्रीनरी वाइब दी हुई है. तो हमारा ऊपर का लोकेशन कुछ ऐसा देखने में लग रहा है. अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर. अंदर की ओर आए हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक आगे एरिया देखने को मिल रहा है, जहाँ पर स्टार्टिंग ही होता है हमारा कैश काउंटर से. इस जगह पर आप बिलिंग वगैरह करवा सकते हो, और हाँ यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने की भी सुविधा है. तो ये हमारा डोसा हाउस का मेन एरिया है. ओके, इस तरफ आप देख सकते हो किस तरीके से डेकोरेट की गई है. एंड हम लोग अंदर आएंगे तो हर जगह पर डेकोरेशन आप देख सकते हो. इसकी इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है. ऊपर में ये झूमर स्टाइल में कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, एंड इस तरीके से कुछ हमारा टेबल एंड चेयर्स वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है. ऊपर से आप लोग तो सिनेमैटिक में भी इंटीरियर को इंजॉय कर ही लोगे. बस इसका मेन्यू कार्ड देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है. मद्रास डोसा हाउस लिखा हुआ है, एंड टेक अ टेस्ट, कम जॉइन अस, एंडलेसली डिलीशियस. ओके, अंदर हम लोग जब आए हैं तो प्लेन डोसा में काफ़ी सारी वेराइटीज़ है. नो फिलिंग इन साइड, तो सिंपल सी बात है, प्लेन डोसा है तो नो फिलिंग इन साइड, अंदर में कोई फिलिंग नहीं रहेगा. अगर प्राइस की बात करें तो 70 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है. ओके, एंड अनियन प्लेन डोसा, मसाला डोसा, पनीर मसाला डोसा, पनीर डोसा, डोसा डोसा यहाँ पर भरा हुआ है. यहाँ पर लॉट्स ऑफ आपको वेराइटीज़ देखने को मिल जाएगी. एंड सिजवान पनीर डोसा भी है, उत्तपम है, इडली सांभर है. और हाँ, डेजर्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इधर आकर दिखाइए. डेजर्ट में चॉकलेट डोसा, प्लेन डोसा विथ चॉकलेट फिलिंग. चलो हम तो चॉकलेट समोसा खाकर देख चुके हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताए हैं और फिर से बताना चाहेंगे, हमको चॉकलेट नहीं पसंद है. बट चलो कोई नहीं, चॉकलेट डोसा, अगर कोई चॉकलेट लवर होंगे तो आकर यहाँ पर चॉकलेट डोसा ट्राई कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें थी. ड्रिंक्स में भी आपको कोक मिल सकता है, एंड गुलाब जामुन भी आपको मिल सकता है. दो पीसेस 60 रुपये के यहाँ पर है. ये रहे हमारे ओनर. नमस्कार. क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम आशीष. अच्छा आशीष जी, आप बताइए, ये आपका जो डोसा हाउस, मद्रास डोसा हाउस है, कब ओपन किया? एक्चुअली हम सारे पब्लिक को भी बताना चाहेंगे, हमारा एक स्मॉल सा छोटा सा शॉप बोरिंग रोड में 2 साल पहले हमने ओपन किया. उसके बाद हम अभी ये वाले जो लोकेशन है उसपे 1st of September से हमने ऑपरेट करना स्टार्ट किया. अच्छा, 1st of September 2022 से आपका. ओके, और आपका टाइमिंग क्या होता है ओपनिंग का इसका? हमारा टाइमिंग 9 बजे से 11 बजे. रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? मैम एक्चुअली जब से साउथ इंडियन हमने मतलब स्टार्ट किया था 2 साल पहले से, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया. उसके वजह से हम लोग ने ये मतलब एक्चुअली बोरिंग रोड का चार्जिंग वैल्यू है, मतलब ये रेंटिंग का बहुत हाई है. बहुत हाँ, ये तो क्योंकि ये आपका बहुत हाईटेक एरिया आ जाता है. बोरिंग रोड, बेली रोड, ये सब काफी हाईटेक एरिया है. तो रिसर्च करके, रिसर्च करने के बाद, आप करने के बाद में हमने ये नया शॉप, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. प्योर वेज है क्या? ये हमारा प्योर वेज है मैम. अभी हम लोग कुछ दिन के बाद चाइनीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी प्योर वेज चाइनीज. कौन के हिसाब से हम जो भी आगे पीछे आपको करना है आप बताओ, हम जरूर उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे.
तो जैसे कि आपको हम बता दें कि यहाँ पर चाइनीज लवर जो भी है वो भी यहाँ पर आकर लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत जल्द यहाँ पर ऐड होने वाला है चाइनीज डिशेज। वैसे आज हमको थोड़ा बहुत मिलने वाला है, तो चलिए इसी बहाने आपको टेस्ट पहले ही हम बता देंगे कैसा कुछ खाने वाला है। ओके, तो कुछ हमको भी सर्व कीजिए आप। बिल्कुल, यहाँ का जो भी सबसे बेस्ट हो ना वही चीज आप हमको दीजिए। आपको हम पहले साउथ इंडियन मेन्यू से डोसा, प्रोबेबली डोसा, इडली, वड़ा, आप जितना खा पाओ। मैं और जो भी हो ना क्वांटिटी कम देने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज़ आप देख रहे हैं हमारे सिर्फ दो लोग आए हैं। अगर चार पांच लोग आते हैं टीम से देन दिक्कत है। मैम डोसा बहुत वाइट फीलिंग होता है, सो वी विल ट्राई टू फिल यू अप विद लव एंड लिटिल फूड। हां बस थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि फूड वेस्ट करना सही नहीं होता है। ओके, ट्रेंड होटल्स कहीं भी जाते हैं, यहाँ तक कि अगर हम फूड ट्रक में भी जाते हैं तो किचन एरिया जरूर आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलते किचन एरिया, हमारा डोसा वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पर आपका डोसा का मेकिंग होता है। और हम लोग जब अंदर की ओर आएंगे ना, तो ये जो है हमारा, जैसा कि ओनर यहाँ के बताए कि यहाँ पर चाइनीज डिशेज जल्दी ही होने वाली ऐड होने वाली है, बट अभी भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा इधर जो एरिया ये चाइनीज का है ना भैया जी, इधर सारा कुछ आपका चाइनीज में ही बनता है। तो डोसा आप ही बनाते हैं? हम भी बनाते हैं, वो भी बनाता है। अच्छा, मतलब दो इधर है, दो चाइनीज में। अच्छा, दो इधर रखे गए हैं, दो उधर रखे गए हैं। ओके, तो अभी बनेगा क्या डोसा? मेरे लिए बनने वाला है ना? हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। खाली मसाला, मसाला डोसा ही बनाइए आप, एकदम बढ़िया था। इसका कुछ हाँ ये बात तो है, एकदम थोड़ा थोड़ा ही दीजिएगा, जो भी दीजिएगा। कौन सी वाली राइस है? जो भी राइस खाना चाहे मिल जाता है। और बाकी आपका यहाँ तो प्योर वेज है, सारा कुछ प्योर वेज मिलेगा। अदरक लहसुन इसमें गया अभी, अब इसमें गया हमारा अनियन और कैप्सिकम। आग लगा दी, आप लोगों को डर नहीं लगता ऐसे काम करने में? हम चलाएंगे तो जल जाएगा क्या? नहीं चलाएंगे क्या? हम भी ऐसे करते तो नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं। बाय। ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या? लाइट गया, देखिए कितने पनौती है, हम काम स्टार्ट किए तो लाइट ही चला गया। हम ये खुद से बना रहे हैं। इसका हम चार्ज नहीं पे करने वाले हैं, क्योंकि खुद से बना रहे हैं और काफी मेहनत से बना रहे हैं हम। दीजिए आप बस सर्व कर दीजिए, बाकी बनाए हम हैं। ये छोटी सी बाल्टी। ये बड़ा अच्छा स्टाइल है, ये ओरिजिनल है। अच्छा, ये बाहुबली साइज का लग रहा है डोसा। ये तो बहुत बड़ा है, ऊपर से आज हम लोग ज्यादा लोग आए भी नहीं, कैसे फिनिश करें? ऊपर से ये चाइनीज भी आने वाला है डिश। नहीं, नारियल की चटनी है, ये सांभर है। ओके, और ये रेड चटनी है। रेड चटनी किस चीज से ये बनती है? प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, नारियल। ठीक है, थैंक यू। बोले कि क्यों ना इसको कट कर दिया जाए, ज्यादा लोग है नहीं, वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाई हम बोले कि थोड़ा ही ले आइए, खाइए। ये फीलिंग है इसकी, जैसा कि आपको किचन में भी हम दिखा चुके थे इसकी फीलिंग, बात रही टेस्ट की, तो हम पहले इसको सांभर के साथ खाकर देखना चाहेंगे। सांभर भी काफी ज्यादा थिकनेस है सांभर में, ऐसा नहीं है कि थीन है, पतले तरीके से बनाया गया है। टेस्ट भी ठीक है, जैसा देखने में है वैसा ही खाने में भी। थर्ड डोसा की वीडियो जा रही होगी, दो वीडियो और हम बना चुके हैं, अभी देखिए आगे और कहाँ कहाँ की आती है वीडियो। एक बार इसकी फीलिंग दिखाइए, ये देखिए फीलिंग, ऐसे ये काट कर लाया गया है, कोरिएंडर वगैरह सारा कुछ इसमें डाला गया है, बादाम है, फिर ये गाजर वगैरह आप देख सकते हो। अब ये चटनी के साथ ट्राई करते हैं। अगर हम बात करें डोसा की टेस्ट की, 5 स्टार देना चाहेंगे। चाइनीज में भी कुछ आइटम्स आया है, और फर्स्ट हमारा ये हो गया नूडल्स, हो गया वेज नूडल्स, एंड सेकेंडली हमारा हो गया ये वेज राइस हो गया, देख सकते हो। और ये तो हम ही बनाए हैं, जैसा कि आप लोग देखे वहाँ पर, ये हम ही बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। ये हमारी पनीर चिल्ली हो गई, इसको खाकर भी आपको हम टेस्ट बताने वाले हैं, ठीक है। चाउमिन में सबसे पहले कहीं पे भी कोई जाता है ना, एक चीज़ जरूर देखता है, स्टिकी तो नहीं है, देखिए स्टिकी नहीं है। तो एक चीज़ और भी याद आया, जब हम लोग डोसा खा रहे थे तो डोसा का जो फिलिंग था ना वो भी स्टिकी नहीं था, काफ़ी अच्छा सूखा सूखा सा था, और उसमें भी सारी चीज़ें जो हमारी स्पाइसेज होती है बहुत सही क्वांटिटी में डाली हुई थी। हम थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि जूठा हो जाए और फिर वेस्ट हो जाए बाद में। ये अगर हो सके तो इसको हम पैक भी करवा कर लेकर जा सकते हैं इसीलिए। तो अगर हम नूडल्स के टेस्ट की बात करें तो एक नंबर। टेस्ट करने की बारी आती है
पनीर चिल्ली की डिश करते हैं इसको। देखिए इस पे पनीर पे सबसे ज्यादा फोकस क्या रहता है, दो चीज पे रहता है। फर्स्ट रहता है हमारा सॉफ्ट है या नहीं, दूसरा रहता है फ्रेश है या नहीं। सॉफ्ट तो बहुत है, अभी हम इसको कट करते हैं, देखना आप लोग। स्पाइसेस वगैरह बहुत सही से डाली गई है, सॉसेस वगैरह बहुत सही से डाली गई है, सॉफ्ट है प्लस फ्रेश है। वीज राइस की बारी आती है। केला का पत्ता आपको हर जगह पे ये देखने को मिलेगा, लाइक जब भी आपका कोई भी डिश आएगा ना तो आपको प्लेट में ये जरूर सजावट मिलेगी। यहाँ की स्पेशलिटी है ये देखने को। एंड अगर फूड की क्वालिटी क्वांटिटी की बात करें तो बहुत सही है, बहुत अच्छे पनीर स्प्रिंग रोल हो गया और हमारा इधर हो गया वेज स्प्रिंग रोल, ठीक है। तो चलो खा कर देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खींच रहे हो, खा रहे हो तो खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्ट भी है, क्रंची भी है, और अगर टेस्ट की बात करें वेज वाला स्प्रिंग रोल है, ट्राई करते हैं। टेस्टी है ये भी। अरे जो दो सेफ देख रहे हो ना, यहाँ की सारी चाइनीज डिशेज यही लोग बना रहे हैं। अच्छा कानपुर से आप आए, और आप कानपुर से? हम कानपुर से ही आप भी है, तो इतना हाथ में इतना अच्छा टेस्ट कैसे आया आप लोग का? 1992-93 से काम कर रहे हैं। 92-93 से आप लोग काम कर रहे हैं? आप भी? नहीं, मेरा तो 8 साल हुआ। आपका 8 साल हुआ है। आपको पता है ये सारी चीजें हम यहाँ पर ट्राई किए हैं और काफी टेस्टी है, और थैंक यू सो मच इतनी अच्छी मील को प्रोवाइड करवाने के। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे हमारे जनता को? हमेशा सब आते रहिए मदार ढोसा पे, खाइए, एक डेट टेस्ट हमेशा मिलेगा। देख लिए यहाँ के जो सेफ है वो आप लोग को आमंत्रण यहाँ पर दे रहे हैं, बोल रहे हैं आने के लिए, और इसी तरीके से टेस्ट आप लोग को हमेशा ही यहाँ पर देखने को मिलेगी और खाने को। यहाँ पर जो भी फूड था बहुत ही टेस्टी था, हालांकि क्वांटिटी तो अपने अनुसार हम मंगवाए थे, सारा कुछ कम कर करके। चाहेंगे कि आपकी फ्रेंचाइजी और आए, खूब आगे बढ़िए आप। तो हम लोग भी वही फ्रेंचाइजी मॉडल थे, हम लोग थोड़ा दे रहे हैं थोड़ा ध्यान। आप तो खिलाते ही चले जा रहे थे, डिशेज आपकी खत्म ही नहीं हो रही थी। हम सोचे कि अभी तो ऐड हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से चाइनीज, तब इतनी सारी चीजें मिल रही है आगे, और क्या क्या चीजें हम लोग नहीं, हम जितने मेन्यू में था सारा देने का कोशिश कर रहे थे, बट अब आप नेक्स्ट टाइम जरूर आइए, थोड़े नंबर्स में आइए, सारा फूड ट्राई कीजिए, बाकी सारा चीज कवर हो पाए। नहीं नहीं, आप जरूर आइए, फिर से कवर कीजिए, और हम तो चाहेंगे कि हमारे सारे डिशेज आप कवर कर लें, सो दैट आपके ऑडियंस हमारे ऑडियंस दोनों मल्टीप्लाई होते रहे। खाकर बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, और इस तरीके से तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जरूर जरूर मैम, आपकी बिल्कुल। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग जरूर यहाँ पर आइएगा, खाइए, अपनी फूड को आप लोग एंजॉय कीजिए, और मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आप लोग को यहाँ का फूड कैसा लगा। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए हम यही बोलना चाहेंगे कि वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।